हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लाया हुआ हूं ओ उच्चारण के नियम। आज मैं क्या लाया हुआ हूं, यानी कैसी परिस्थिति में, कैसी स्थिति में ओ का उच्चारण कैसे कैसे करते हैं। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। यदि किसी शब्द में यानी ओ आ जाए, क्या आ जाए, और ओ के बाद आ जाए व्यंजन, ओ के बाद क्या आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए, ई, उसके बाद क्या आ जाए, आ जाए, तो ओ का उच्चारण ओ ही होता है। ओ का उच्चारण क्या होता है, अर्थात किसी शब्द में पहले ओ आ जाए, उसके बाद व्यंजन आ जाए, उसके बाद ई आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ओ का उच्चारण ओ ही होता है। जैसे एन ओ ऐसी को क्या कहेंगे, और इसमें ओ से ओ की मात्रा बोल रही है कि नहीं बोल रही है, और बी ओ एन ई को क्या कहेंगे, इसमें ओ से ओकली की मात्रा है कि नहीं है। इसमें आगे देखें, जैसे जे ओ के ई को क्या बोलेंगे, इसमें ओ से यानी ओ की मात्रा है कि नहीं है। जैसे आगे है वी ओ टी ई को क्या कहेंगे, वोट, इसमें भी यानी ओ से ओ की मात्रा है। अब यानी हर नियम में कुछ ना कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। अपवाद का मतलब ये होता है जिसमें कोई नियम कानून लागू नहीं होता, यानी वे विचित्र होते हैं, अपने आप में यूनिक होते हैं। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, उनमें कोई यानी नियम कानून लागू नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। तो इसके अपवाद हैं कुछ, यानी जैसे एस ओ एन ई को क्या कहेंगे, सम, जैसे डी ओ एन ई को क्या कहेंगे, डन, जैसे एन ओ एन ई को क्या कहेंगे, और एल ओ वी को क्या कहेंगे, और सी ओ एन ई को क्या कहेंगे, अर्थात नियम वही है ये, लेकिन इन शब्दों में नियम लागू नहीं है, इसलिए इन्हें अपवाद की कैटेगरी में रखा जाता है। आगे देखेंगे, यदि किसी शब्द में दो व्यंजनों के बीच, यदि किसी शब्द में दो व्यंजनों के बीच क्या आ जाए, ओ आ जाए, या ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है। ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ एक विदेशी वर्ड है। जैसे डीओजी को क्या कहेंगे, डॉग, एफ ओ जी को क्या कहेंगे, एच ओ टी को क्या कहेंगे, एन ओ टी को क्या कहेंगे, और यानी जी ओ टी को क्या कहेंगे। एक बार यानी कि पुनः निवेदन, यानी सभी दर्शकों को, यानी कि मेरा निवेदन है कि यानी जिस जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक विशेष सूचना, अब यानी बच्चों की परीक्षाएं लगभग होने वाली हैं, तो सभी अभिभावकों से निवेदन है कि यानी जो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहता है या गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करना चाहता है अपनी स्वेच्छा से, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है।